गुरुदेव, क्या ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव है? क्या नवरत्नों के द्वारा इस प्रभाव को कम कर सकते हैं? इस सृष्टि में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर प्रभाव अपना प्रभाव जारी रखती है। एक बूंद जहर 80-90 किलो तुम्हारे शरीर को एक सेकेंड में खत्म कर सकते हैं। हवा में एक छोटा सा एक कण हवा में जहर हो वो तुम्हें खत्म कर सकते, समाप्त कर सकते तुम्हारे जीवन को। जब ऐसा प्रभाव है तो ये सूरज तारे चांद इनका किरणों का प्रभाव जीवन में नहीं है ऐसे कैसे मान लोगे? एक अणु जब विस्फोट होता है उसका किरण, एक अणु जो दिखता भी नहीं है, परमाणु बम कहीं गिरे उसका प्रभाव हजारों साल तक हजारों मील दूर तक बना रहता है। फिर सूरज और चांद और तारों से जो किरण आते हैं उनका प्रभाव नहीं हो सकता जीवन बुद्धि में मन में? जरूर होता है, होता जरूर है, मगर बात सुनो, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर भी कोई शक्ति नहीं है। तुम भी उन सब पर प्रभाव कर सकते, तुम कोई कम नहीं। ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल शुरू हुआ इसी से ना। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? किसी एक चीज को लेकर उसका हजार गुना उसका जो पोटेंसी है शक्ति है उसको कम करके उसमें से एक बूंद निकाल के देते हैं, वो बीमारी मारी ठीक हो जाती है, शरीर स्वस्थ होने लगता है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल यही है। तो ग्रहों का प्रभाव जरूर है मन में बुद्धि में। जैसे मन पागल खानों में देखोगे तो वो अमावस्या पूर्णिमा के आसपास उनका पागलपन अधिक बढ़ता है या गिरता है? क्या हमारे शरीर में 60% पानी है, पानी के ऊपर चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव और मन और जल के साथ संबंध है, चंद्रमा के साथ संबंध है। तो प्रभाव जरूर है, मगर उस प्रभाव को कम करने के लिए भी उपाय है क्या? जैसे भक्ति ध्यान ज्ञान इन सब में उसका प्रभाव कम हो जाता, समाप्त हो जाता कई बार। इसलिए कहते हैं सारे ग्रहों के ऊपर शिवजी बैठे हैं, ओम नमः शिवाय कहोगे तो सारे ग्रहों का जो भी बुरा असर है सब वहीं का वहीं समाप्त। पशु पक्षियों के जीवन में ये स्वातंत्र नहीं है, ये आजादी नहीं, वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते ना वो ज्ञान में आ सकते हैं, उनका पूर्व निर्धारित है, पर मनुष्य उपाय कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का तीन अंग है, एक अंग है एस्ट्रोनॉमी सिर्फ ज्योतिर्विज्ञान, कहाँ कहाँ कौन सी ग्रह कहाँ चल रही है, कितना दिन में समय काल गणना इत्यादि। दूसरा है इसका असर फलित विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का दूसरा अंग है फलित ज्योतिष, एक गणित दूसरा फलित, तीसरा है उपाय, उपाय या परिहार का। अच्छा इसका असर ऐसा पड़ रहा है उसके लिए तुम ऐसा उपाय करो, क्या करो? अच्छा साधना करो, ध्यान करो और लोगों को खुश करो, और उनको खुश करोगे तो उनकी जो अच्छी वाइब्रेशन है वो तुम्हारे पास आएगी, उससे भी तुम्हारा जो ग्रहों का जो बुरा इफेक्ट है कर्म वो घटेगा। तो बहुत भूखा कोई आदमी है उसको कुछ खिलाओ, जब वो खाता है वो तृप्त होता है, वो उसकी जो तृप्ति की तरंग है वो तुम्हारे पास आके तुमको उससे कुछ फायदा होने लगेगा। जब तुम ध्यान वान नहीं कर सकते फिर ध्यान से भी तुम पुण्य पवित्र हो जाओगे। ये उपचार गणित फलित और परिहार जिसको कहते हैं उसका भी अपना विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र अद्वैत का ज्ञान, यहाँ सब समष्टि को जोड़ते हैं, तिल में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन शनि ग्रह में है, चने में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन मंगल ग्रह में, मंगल की गर्मी चने की गर्मी एक है। इस तरह से एक एक वस्तु के साथ एक रंग एक धान
अनाज और कोई पक्षी या कोई प्राणी, इन सब को जो पट किया गया एक ही वाइब्रेशन, एक ही तरंग, जैसे गेहूं सूर्य से जुड़ा है, चावल चंद्रमा से जुड़ा, शीतल करते चावल, गेहूं गर्मी पैदा करता है, मूंग दाल जैसे बुध के साथ मूंग दाल को जोड़ दिया, बुध का जो वाइब्रेशन है वो मूंग दाल में वही वाइब्रेशन है, तरंग है, तो मूंग दाल रखो तो वही वाइब्रेशन मिल जाएगा तुम्हें। इसी तरह पत्थर को भी रख जाए, पीला पत्थर हो, पन्ना है, हीरा है और ये वो, मगर इसको इतना ज्यादा महत्व मत, तुम्हारे भीतर इन पत्थरों से अधिक कई गुना अधिक शक्ति पड़ी है। तो जो सारक नहीं है, साधना वेग नहीं जानते, ध्यान कभी करते नहीं है, कीर्तन कभी शामिल नहीं होते, उनके लिए सब कुछ असर कर सकता है, तुम्हारे लिए किसी किसी कोई आवश्यकता।